मगर नरेंद्र मोदी जब आया है ये गरीबी का से दुश्मनी कर, 300 रुपया के सिलेंडर आपको 1000 रुपया होगी। हमारा देश का मजदूर को बर्बाद करने के लिए 4 लेबर कोर्ट बनाया, 8 घंटा का 12 घंटा काम करवाएगा, उसके यूनियन करने का हक छीना जाएगा, ये सब साजिश चल रहा है। वो बोला था 2 करोड़ हर साल में नौकरी करेंगे, 2 करोड़ 8 साल में 16 करोड़ होना चाहिए, 16 लाख दे दिया। ये अदानी अंबानी अमीरों का दलाल है, उसके पक्ष में कानून बनाता है। अदानी आया था 15 साल पहले, वो एक दुकानदार था, दुकानदार मालूम है, दुकानदार था। और आज दुनिया के 4th नंबर में पहुंच गया, पैसा आसमान से नहीं गिरा, उसके सारे सुविधाएं मोदी ने दिया, सारे बैंक का पैसा लेके एयरपोर्ट खरीद किया। जब गरीब लोग को बैंक का लोन नहीं मिलता, अदानी का क्यों लोन दिया? इस आग के हजारों साबित है कि अदानी अंबानी का दलाल है। आपको टीवी अखबार में क्या दिखाया जा रहा है कि सब चंगा है, देश तरक्की कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, देश भर की महिलाएं आज जंतर मंतर पर जमा हुई है और उनका कहना है कि उनकी जो आंगनवाड़ी में उनकी नियुक्तियों को लेकर, उनके प्रमोशन को लेकर लगातार जिस तरीके से सरकार रोजगार ख़त्म करती जा रही है वो मीडिया आपको नहीं दिखाती है। हमारे साथ हन्नान मुल्ला जी हैं जो ऑल इंडिया किसान यूनियन के सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करेंगे। सर कैसे देखते हैं जिस तरीके से सरकार लगातार महिलाओं, युवाओं और माइनॉरिटी को लगातार परेशान कर रही है? ये सरकार, दिल्ली का सरकार बराबरी गरीब के खिलाफ है, पिछले सरकार भी था, मगर नरेंद्र मोदी जब आया है ये गरीबी का से दुश्मनी कर रहा है। आज गरीब मर रहा है, 300 रुपया के सिलेंडर आपको 1000 रुपया होगी, हर चीज़ों का दाम आसमान छू रहा है, मगर हमारा रोज का रोजगार घट रहा है, तो कैसे लोग चलाएगा? और हमारा दीन मजदूर जो है उसका हालत और भी खराब है। आंगनवाड़ी वर्कर 1000 संख्या में आया दिल्ली में, आंगनवाड़ी वर्कर 10 घंटा काम कर रहे गांव में घूम घूम के, मगर उसको मजदूर के स्वीकृति नहीं दिया, उसका तनख्वाह भी बढ़ाया नहीं, तो कैसे काम करेगा लोग? हम इसके ऊपर नया नया काम भी दे रहा है, काम बढ़ा रहा है, घंटा बढ़ा रहा है, और उसको मजदूरी सही ढंग से नहीं दे रहा है। इसलिए ऐसा हर हिस्सा का हो रहा है। हमारा देश का मजदूर को बर्बाद करने के लिए 4 लेबर कोर्ट बनाया, 8 घंटा का 12 घंटा काम करवाएगा, उसके यूनियन करने का हक छीना जाएगा, ये सब साजिश चल रहा है। हम किसान लड़ा, आपको मालूम है 380 दिन दिल्ली घेर के बैठा रहा, उसके बाद जो काला कानून था उसको वापस करवाया। हम मानते हैं लड़ाई किया बिना सरकार का हाथ से कोई मांग वापस नहीं हो सकता, इसलिए ये जो आंगनवाड़ी आए हैं ये बहुत पूरा देश से आए हैं महिलाएं, और ये अपना तांका के लिए काम परमानेंट करने के लिए, इसका सुविधा के लिए ये मांग उठा रहा है पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट को सुनना चाहिए और सरकार के इसका पक्ष में कानून बनाना चाहिए। सर क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री जी के बारे में लगातार मीडिया दिखा रहा है कि मोदी जी महिला हितैषी हैं, लेकिन यहाँ पर हालात कुछ और हैं? लोग तो वो तो महिला जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसको पिट्टू जो मीडिया है वो दिखाता है, सच्चाई तो दिखाता नहीं। लोग के जो गरीबी है, लोग जो बेरोजगारी है, लोग जो खुदकुशी कर रहे हैं, लोग जो रास्ता में भटक रहे हैं, ये नहीं दिखाता मीडिया, क्योंकि मीडिया का सरकार पैसा देता है, पैसा बंद हो जाएगा, इसलिए मीडिया भी सच्चाई नहीं बोल रहा है। सच्चाई अलग है, मोदी का राज देश का बर्बादी का राज है, किसान विरोध, खेत मजदूर का गांव में काम नहीं है, 100 दिन काम का कानून 50 दिन भी मिलता नहीं, 40 दिन भी नहीं मिलता, प्रचार होता है काम दे रहा है, बेरोजगार आज हिंदुस्तान में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज भारत में है। मगर वो बोला था 2 करोड़ हर साल में नौकरी करेंगे, 2 करोड़ 8 साल में 16 करोड़ होना चाहिए, 16 लाख भी दे। आज जब हमारा ये हुआ, पेंडेमिक हुआ, 13-14 करोड़ लोग का नौकरी चला गया, रोजगार चला गया, ये सब मालूम है आपको? ये झूठ बोलता है, सुबह से शाम तक झूठ बोल के लोग को गुमराह करता है और दूसरे अदानी अंबानी को बढ़ावा देता है। ये अदानी अंबानी अमीरों का दलाल है, उसके पक्ष में कानून बनाता है, उसको लाखों करोड़ बैंक का
सूद उसको छुटकारा देता है, उसका पैसा मार के चला जाता है, उसको जेल में नहीं डालता है, पर गरीब पर जुल्म करता है। ये मोदी का राज का तरीका है। सर, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी अंबानी अडानी के दलाल है, उनके लिए काम करते हैं, इसके लिए क्या सबूत है, कैसे जनता को बताएंगे? मोदी जब अडानी आया था 15 साल पहले, वो एक दुकानदार था, दुकानदार मालूम है, दुकानदार था। और आज दुनिया के चौथा नंबर में पहुंच गया धनियों में, दुनिया का सारे दुनिया बिल्ड गया सबसे धनी था, उसको भी आगे छोड़ के चला गया, पैसा आसमान से नहीं गिरा, उसके सारे सुविधाएं मोदी ने दिया, सारे बैंक का पैसा लेके एयरपोर्ट खरीद किया। जब गरीब लोग को बैंक का लोन नहीं मिलता, अडानी का क्यों लोन दिया एयरपोर्ट खरीद करने के लिए? और एयरपोर्ट खरीद करने के बाद वो दुनिया में सबसे धनी बन गया। इस आग के हजारों साबित है कि अडानी अंबानी का दलाल है, मोदी के राज में ये फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लूट रहा है जनता को और गरीब गरीब होते जा रहा है। सर, इसका सोल्यूशन कैसे देखते हैं? सोल्यूशन, ये देश विरोधी जन विरोधी को देश से हटाना है। ये जन विरोधी, देश विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी आज आर्म फोर्स के लिए टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, हमारा फौज को भी टुकड़ा टुकड़ा करने की साजिश कर रहा है। इस देश विरोधी ताकतों के खिलाफ गोलबंद होके इसको हटाना, इस देश को बचाना। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे असनान मुल्ला, जिनका साफ कहना है कि सरकार से हमें लड़ना होगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपनी लेकिन संवैधानिक तरीके से अपनी बात को आगे रखना पड़ेगा। जिस तरीके से लगातार सरकार कॉरपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है, उनको फ़ायदा पहुंचा रही है, और जो गरीब है, मजदूर है, दबा कुचला है, उसको लगातार नुकसान पहुँचा रही है। हमारे पीछे तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश भर की आंगनबाड़ी महिलाएँ यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुई है, संसद से कुछ ही दूर, लेकिन ये खबर आपको मीडिया में नहीं दिखाई है। जंतर मंतर से धर्मेंद्र के साथ मोहम्मद फैसल, जनहित आवाज़, दिल्ली।